इफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू, देन एट एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एट एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसको हम देखें तो ये एट एक्स क्यूब को लिख सकते हैं टू एक्स के होल क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स के होल क्यूब, इसी का वैल्यू निकालना है। अगर इसको भी हम कुछ इस तरीके के फॉर्म में ला दें टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, तो ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि फिर a प्लस बी के होल क्यूब कर देंगे तो फिर इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दिया हुआ है x प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। अगर 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एक्स इंटू टू इक्वल टू थ्री। और क्या हो गया, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स इक्वल टू कितना गया, 3। अब बोथ साइड्स क्यूब करेंगे इसको, ऑन डूइंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स के होल क्यूब इक्वल टू थ्री के होल क्यूब। थ्री के होल क्यूब कितना होता है, 27। अब इसको हम ए प्लस बी के होल क्यूब पर के फॉर्मूला पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हम जानते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इसी ए फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो गया, टू एक्स के होल क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स पूरा के होल क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री इंटू टू एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई टू एक्स इंटू ए प्लस बी, तो ए हो गया ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, 27 से। और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया एट एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एट एक्स क्यूब, टू एक्स, टू एक्स कट जाएगा प्लस थ्री, थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स, तो टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स कितना है, थ्री, तो थ्री इंटू थ्री इक्वल टू कितना हो गया, 27। और ये क्या हो गया, एट एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई एट एक्स क्यूब इक्वल टू 27 माइनस कितना हो गया ये, राइट हैंड साइड 9 इक्वल टू 18, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, और इसको हमने विदाउट इसको सोल्व, इसमें x का वैल्यू निकाले हुए किया है हमने, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने इसका वैल्यू निकाल दिया।